वाराणसी दौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन, आज मॉरिशस के पीएम के साथ करेंगे बैठक। सीएम से मिलने आने वाले फरियादियों को मिलेंगी सुविधाएं, राज्य अतिथि गृह में ठहरने के साथ साथ खाने पीने की होगी व्यवस्था। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का दूसरा दिन, दिल्ली में पीएम मोदी से मिले बोरिस जॉनसन, द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा संभव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 11:30 बजे सचिवालय में ऊर्जा विभाग की बैठक करेंगे, ऊर्जा विभाग की बैठक करेंगे सीएम धामी। झांगीपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद से सियासी घमासान जारी, समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आएगा झांगीपुरी, अखिलेश यादव को सौंपेंगे रिपोर्ट। मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान, बोले मोदी सरकार को मेरी चेतावनी, मुसलमान सड़कों पर उतरेगा कुछ नहीं संभलेगा। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी बिल्डिंग, पुलिस बल की तैनाती के बीच बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। गृहमंत्री अमित शाह से मिले नंद गोपाल नंदी, यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी। अमित शाह ने पार्टी को नया आकार दिया, सदैव सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता की चिंता करते हैं अमित शाह जी ने पार्टी को नया आकार दिया, कहा नंदी ने। मुरादाबाद में खड़ी कार में लगी भयंकर आग, लग्जरी कार में अचानक लगी आग, आग लगने से सिविल लाइन थाना इलाके में हड़कंप। बुलंदशहर में पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। सहारनपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, कांस्टेबल पंकज तोमर के पैर में लगी गोली, गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके पर एसओजी की टीम रही मौजूद। लखनऊ में छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा, बारात देख रहे लोगों पर गिरा छज्जा, हादसे में 2 लोगों की मौत, दर्जन घायल। ध्वनि प्रदूषण पर एक्शन में नोएडा पुलिस, तेज आवाज में लगे गाने बजाने वालों पर की गई कार्रवाई, डीजे संचालक पर नोएडा पुलिस ने की कार्रवाई, कमिश्नर आलोक सिंह के आदेश पर हुई कार्रवाई। वाराणसी में प्रसिद्ध लोक गायकी मैथिली ठाकुर पहुंची वाराणसी, परिवार संग मां गंगा की आरती में हुई शामिल, रीति रिवाज से की पूजा अर्चना। झांसी में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, वीडियो में घूस मांगता दिख रहा लेखपाल, वीडियो वायरल होने के बाद डीएम रविंद्र कुमार ने लिया एक्शन, लेखपाल को तुरंत प्रभाव से किया निलंबित। एटा में युवक को पेड़ से बांधकर पब्लिक ने जमकर पीटा, किडनी चोरी गिरोह में शामिल होने का आरोप, 2 महीने से युवक का किया हुआ था अपहरण, युवक को लखनऊ ले जाकर निकाली थी किडनी। गोरखपुर में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली, अवैध वसूली का सीएमओ ने किया फंडाफोड़, दिव्यांगों से रिश्वत ले रहे 2 दलालों को सीएमओ ने पकड़ा। कन्नौज में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क बांटी दवाएं, मर्जों का मेले में हुआ चेकअप, बीजेपी एमएलए ने मेले का किया शुभारंभ। बाराबंकी में हिस्ट्री शीटर की हत्या का खुलासा, पत्नी और बेटी ने की हिस्ट्री शीटर की हत्या, पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
जौनपुर में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले, अनुपस्थित डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश। गोरखपुर में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का खुलासा। दुष्यात्र बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार बाइक के साथ करते थे मोबाइल चोरी। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन। अप्रेंटिस मेले में पहुंचे कई इंडस्ट्रीज के लोग। जालौन में युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर दी जान। युवती की आज होनी थी शादी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहपुर के जहानाबाद में 12 करोड़ खर्च, वर्षों से नहीं आया पानी। 3 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित।